सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है किशन, टेक्निकल की किस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में आप सभी के लिए एक ऐसी मजेदार एप्लीकेशन का रिव्यू लेके आया हूँ जो एप्लीकेशन आपको काफ़ी पसंद भी आने वाली है। दोस्तों अगर एप्लीकेशन आपको जरा से भी पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट में आप मुझे बताना कि एप्लीकेशन आपको कैसे लगी। दोस्तों मान लीजिए आप बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी है जो आप बार बार में यूज़ करते हो और एप्लीकेशन को आपको बार बार में ढूंढना पड़ता है, फिर आप अगर कोई काम कर रहे हो तो उस काम को आप बंद करके उस एप्लीकेशन को ढूंढना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आप ऐसी कोई सेटिंग करना चाहते हो कि आपकी नोटिफिकेशन बार में आपकी वो सारी एप्लीकेशन आ जाए जो भी आप ज़्यादा यूज करते हो, तो बड़ी आसानी से आप ये काम एक छोटी सी एप्लीकेशन के जरिए आप ये काम कर सकते हो। दोस्तों मान लीजिए फेसबुक बहुत ज़्यादा यूज करते हो, फिर बार बार में अगर फेसबुक पे कोई मैसेज आता है तो आपको वो एप्लीकेशन बंद करके उस एप्लीकेशन को सर्च करके ढूंढना पड़ता है। तो बड़ी आसानी से आप सब नोटिफिकेशन बार में सेटिंग कर सकते हो कि आपकी नोटिफिकेशन बार में वो एप्लीकेशन आ जाए और बड़ी आसानी से उसे एक्सेस कर सको, उसे यूज़ कर सको। जैसे फेसबुक पर मैंने क्लिक किया तो फेसबुक मेरी ओपन हो गई, और जैसे मैं फेसबुक पर जाकर अगर मैं किसी और एप्लीकेशन को यूज ओपन करूँगा तो वो ऑन हो जाएगी, व्हाट्सअप पर जाकर या फिर मैं कैलकुलेटर पर जाकर अगर क्रोम ब्राउजर को ओपन करूँगा तो क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों बड़ी आसानी से हम कोई भी एप्लीकेशन सेट कर सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हो तो इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो बेसिकली आपको प्ले स्टोर पर जाकर आपको सर्च करना है टब्स प्रो। तो जैसे आप सर्च करोगे तो सेकंड नंबर पे जो एप्लीकेशन है बिल्कुल फ्री है, तो इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। 1 लाख से ज़्यादा लोग इसे डाउनलोड कर चुके हैं। तो दोस्तों एप्लीकेशन को जब आप ओपन करोगे तो इसका इंटरफेस कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पे आपको होम पे जाना है, कुछ परमिशन देनी होगी इस एप्लीकेशन को ताकि नोटिफिकेशन बार में अपने एप्लीकेशन को शो अप कर सके। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऐप्स पर रो तो मिल जाएगी एप्लीकेशन में आपको, जैसे कि आप यहाँ पे ऊपर कितने एप्लीकेशन सेट करना चाहते हो, 7 या 8, ज़्यादा से ज़्यादा 8 सेट कर सकते हो। तो आप 8 सेट करना चाहते हो तो आप 8 सेट कर सकते हो, या फिर आप जितने एप्लीकेशन भी शॉर्टकट तरीके से लगाना चाहते हो लगा सकते हो, या फिर आपको कोई एप्लीकेशन चेंज करनी है तो जैसे आपको यहाँ पर ब्लैंक आइकन दिखाई देंगे जब आप एप्लीकेशन को पहली बार ओपन करोगे तो यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन आपको अच्छी लगती है, जो भी आपको ऐड करना चाहते हो वो ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने जीमेल कर लिया, फिर गैलरी कर लिया, फिर कुछ भी किसी और एप्लीकेशन की बजाय मैं कोई और एप्लीकेशन ऐड करना चाहूँ तो वो भी मैं बड़ी आसानी से यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये काफ़ी मज़ेदार एप्लीकेशन है। बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, आप जो भी कुछ सेटिंग करना चाहते हो, आइकन सेटिंग कर सकते हो, जो भी आप सेटिंग देखना चाहो या करना चाहो। या फिर दोस्तों अगर आप दो रो लगाना चाहते हो तो आपको बैक आके सेटिंग में आना है और यहाँ पे इनेबल सेकंड रो कर देना है, जिसके बाद इसके नीचे जो एक और लाइन बन जाएगी, जिसके बाद बड़ी आसानी से दो लाइन एक साथ आप यूज कर सकोगे। तो दोस्तों बड़ी आसानी से आप अपने शॉर्टकट तरीके से किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो और काफ़ी हद तक अपना कीमती वक्त बचा सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये एप्लीकेशन आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस रेड कलर के बटन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस बेल आइकन की घंटी को भी जरूर दबा लें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बिना ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर, जय हिंद।